नासिक की विधायक दिव्यानी परांडे, इन्होंने महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री पर जोरदार तंज कसते हुए कहा कि ये सरकार किसानों को सिर्फ आश्वासन दे रही है मात्र असल में कर्ज माफी नहीं दे रही है। आइए, अधिवेशन के दौरान जो अंदर में थे, जिन्होंने बातचीत की है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे विरोधी पक्ष नेता के कुछ नेता और महिला, आप हमारे साथ क्या कहना चाहोगे? आज अधिवेशन का पांचवा दिन है। जब मुख्यमंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ में ली थी, तभी उद्धव ठाकरे साहब ने खेत में जाके उन्होंने बताया था कि आप घबराइए मत, मैं आपके पीछे हूँ और 25,000 रुपए प्रति हेक्टर आपको मदद में मिलवाऊंगा। उन्होंने राज्यपाल को निवेदन दिया था। आज 5 दिन हो गए, लेकिन कुछ भी बात शेतकरी हित के लिए ये सरकार कर नहीं रही है। 5 दिनों में अभी पुराने बजट का हुआ, पुराने बजट में भी जो निधि शेतकरियों को मदद के लिए होना चाहिए था वो मदद भी उसमें नहीं है और हम इसलिए उसका निषेध करती है। ये सरकार सिर्फ 3 पक्ष जो है उनकी खुर्ची के लिए इकट्ठा आए हुए हैं, वो कोई समाज हित के लिए साथ में नहीं है। क्या नाम आपका? देवयानी फरांदे। कहाँ से? नासिक। नासिक से? तो आप ही देवयानी फरांदे जो नासिक से थे, जिन्होंने बखबर बेवा के साथ बात करते हुए कहा कि पुराने जो है उसके अंदर में किसानों को माफी दी जाए ऐसी वहाँ पे प्रावधान था, उसके बावजूद भी किसानों को अब तक के कर्ज माफी नहीं दी गई है, जिसके चलते आज सभागृह में फिर से एक बार दोनों के बीच भिड़ंत देखने को मिली, खींचतान देखने को मिली, तुतू मैं करते हुए देखने को मिली। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में अब भी किसानों को न्याय मिलता है या फिर ढाक के 3-5 जैसा ही काम इस अधिवेशन के दौरान यूं ही चलता रहेगा। अधिवेशन से कैमरा पर्सन मोहर के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज़, नागपुर।